हाँ, सुबह सुबह जो है वो तिरछी बारिश आ गई, मतलब उस तरफ से बारिश सारी इस तरफ आ गई, तो पानी सारा अंदर आ गया बरामदे की तरफ, तो मैंने क्लीन कर दिया। तो चलिए, आज सुबह से बारिश लगी हुई है, काफ़ी तेज़ बारिश थी सुबह से शुरू हुई, थोड़ा कम हो गई अभी। तो दोस्तों, आज से मैं सोच रहा हूँ यार डेली ब्लॉग लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ट्राई करूँगा कि डेली ब्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि काफ़ी गैप हो जाता है, तो अपने तरफ से ट्राई करूँगा। और ट्रैवलिंग ब्लॉग तो आते रहेंगे, जैसे हम करते रहेंगे ट्रैवल, तो ठीक है। तो आज नाश्ते में, ओह अच्छा, नाश्ते में बन रहा है पतौड़ की सब्ज़ी। पतौड़, कई लोग जो पहाड़ी है उनको पता होगा पतौड़ की सब्ज़ी, पतौड़ के जो मतलब जो पत्ते होते हैं उसके क्या बोलते हैं उसे, अरबी के पत्ते, हाँ सॉरी, अरबी के जो पत्ते होते हैं उसका ये बनता है पतौड़ की सब्ज़ी। तो गढ़वाली लोगों को या पहाड़ी लोगों को पता होगा अरबी के पत्तों की कैसे बनाई जाती है ये सब्ज़ी, तो वो आज हम बना रहे हैं नाश्ते में। तो इसमें मतलब वही पत्ते जो होते हैं उसमें बेसन लगा के अच्छे से, और उसमें नमक मिर्च डाल के, मतलब बेसन लगा के, और फिर उसको लपेटते हैं, और फिर उसके बाद उसको बॉयल करते हैं। बॉयल भी मतलब ऐसे करते हैं, कुकर में रख के नीचे कुछ आपको बिछाना पड़ता है, चाहे उसमें आप लकड़ी, हाँ ताकि वो नीचे चिपके ना कुकर में, तो लकड़ी वगैरह नीचे रख दी, ठीक है, लकड़ी रख दी या फिर कुछ चम्मच वगैरह रख दिए नीचे, फिर उसके ऊपर आपने ये बिछा दिया, पतौड़ वगैरह जो लपेटे हुए थे वो रख दिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी डालना पड़ता है, हल्का सा हल्का पानी डालना पड़ता है ताकि वो स्टीम हो जाए, पानी में डुबाना नहीं है उसको, खाली हल्का पानी डाल के उसको स्टीम करना है, स्टीम सा हो जाए, फिर वो स्टीम से वो गल जाते हैं, और फिर गलने के बाद उसे निकाल देना है बाहर, और फिर उसको कट कर लेना है, और कट करने के बाद फिर वो ऐसे कुछ दिखेंगे आपको जैसे दिख रहे हैं अभी। तो इसके बाद इसको क्या करेंगे, छौंका लगाएंगे, छौंका लगाएंगे, और फिर ये लहसुन जीरे का प्याज व्याज डाल के, और फिर क्या बन जाएगा हमारा पतौड़ की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो आज पतौड़ की सब्ज़ी के मज़े लेंगे, काफ़ी लोगों ने बनाई भी होगी, गढ़वाली लोग जानते हैं सब चीज़ों को, और जिन्होंने नहीं बनाई है तो बनाओ यार, क्या कर रहे हो, है ना, बारिश का मौसम है, ये पकौड़े के मज़े भी देता है, एकदम गजब बनते हैं। तो अभी हम नहा धो करके आते हैं, फिर नाश्ता रुश्ता करेंगे, तब तक मम्मी कुछ मौका लगा रही है। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ गैरी, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक्सप्लोर विद गैरी पे। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और बिल्कुल अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये रीटेक लेने में पता है मेरे को टाइम लग गया, 10 रीटेक हो गए कम से कम इस सेंटेंस में। तो फाइनली अब हो गया गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, क्योंकि आज बारिश बहुत हो रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बाहर पूरी बारिश है, तो ट्रैवल भी करेंगे। अभी तो फिलहाल घर के कामों में व्यस्त, और आज देखते हैं फैमिली ब्लॉग होने वाला है। मेरे को उत्तरकाशी भी जाना था, बट कई लोग बोल रहे हैं कि लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है उधर, रोड्स काफ़ी ख़राब है, तो अभी जाना ठीक नहीं है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक तक जाऊँ, उत्तरकाशी से कोई है तो बताना यार कैसी रोड्स है वहाँ पर, कैसा ख़राब चल रहा है, रोड ठीक है कि नहीं है जाने लायक, तो वहाँ ट्रैवलिंग करेंगे उस तरफ। तो आज सुबह से बारिश लग चुकी है देखो आप, और पहाड़ों में मसूरी पूरी ढक गई है उधर, वो देखना उस तरफ पहाड़, मसूरी पूरी ढक चुकी है, और इधर ही थानों की तरफ ही बारिश हो रही है। ये सुरकंडा देवी उस तरफ है टेंपल, और इस तरफ हमारा उस तरफ नंदनगर वगैरह, तो सब जगह बारिश आज लगी हुई है, तो आज पूरे दिन की बारिश लग रहा है, पूरे दिन की बारिश। तो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों आज देहरादून से। क्या कर रहे हैं, मेहंदी लगाई जा रही है, मेहंदी मैं रहने दो, अरे अभी से बुरा बुरा नहीं बनना ना, अच्छा इसलिए जरा मेहंदी पॉजिटिव, वेरी गुड, हाँ ये भी सही है, ये भी सही बात है, सही बात है, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बाल सफ़ेद हो गए तो कलर लगा लो, पॉजिटिव रहोगे, नया थॉट है आज का। बारिश तो कुछ गजब ही आ रही है अभी, तो आ गए आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं फिर नाश्ते का कार्यक्रम। आज तो पतौड़ है, बताया था मैंने पतौड़ की सब्ज़ी और ब्रेड, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। ये ब्रेड मुझे खानी पड़ रही क्योंकि कल आए थे थोड़ा बची थी, तो मैंने ख़त्म कर देते हैं इसको। बाकी रोटी भी है हमारे पास, रोटी है बनी हुई है, बाकी पतौड़ की सब्ज़ी, ये रही पतौड़ की सब्ज़ी। तो पतौड़ का टेस्ट रोटी के साथ बढ़िया है ना। चलिए मिलते हैं नाश्ते के बाद।
तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मोटर व्लॉगिंग सेटअप अपना, जो कि मैंने काफ़ी दिन से मैंने ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से। तो मैंने कहा सेटअप कर देते हैं, इस व्लॉग में आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि कैसे मोटर व्लॉगिंग सेटअप होता है। ठीक है, मैंने काफ़ी दिन से अमेज़ॉन से ऑर्डर की भी थी कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है, कभी कोई चीज़ आ रही है कभी कोई चीज़ आ रही है, तो एक साथ चीज़ें नहीं आई थी। अब सारी चीज़ इकट्ठा हुई मेरे पास, तो मैंने कहा अब आपके लिए मोटर व्लॉगिंग सेटअप बताते हैं आपको और कैसे क्या क्या रहता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो हमको हेलमेट चाहिए, आपको बताइए मोटर व्लॉगिंग सेटअप के लिए हेलमेट। तो अभी मैं ये वाला हेलमेट मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, ये फुल फेस हेलमेट। अभी तक मैं रॉयल एनफील्ड का हेलमेट यूज़ कर रहा था, रॉयल एनफील्ड का ये वाला, तो इसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे कभी। और अभी मैंने लिया है मोटर व्लॉगिंग के लिए ये वाला, ज़्यादा इतना महंगा सेटअप नहीं है, स्टील वुड का हेलमेट है जो कि काफ़ी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट सेफ्टी वाइज ठीक है, ISI अप्रूव्ड है। तो इसमें आप करेंगे सेटअप, दिखाता हूँ कैसे करना है। एक तो मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, वो है मानो का माइक, जो कि आपने देखा होगा एक लेवलियर माइक है जो कि हम यूज़ करेंगे मोटर ब्लॉगिंग के लिए यार, क्योंकि इसकी वायर जो बड़ी नहीं है, छोटी वायर है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। देखिए हो गया, एक मैंने ऑर्डर किया था GoPro के लिए, ये उलानजी का केस, ये वाला दिखाया था ऐसा कुछ है, ये केस है, ये मैंने ऑर्डर किया था GoPro 9, जैसा आपको पता मैंने लिया था, तो मैं GoPro 9 के लिए ये वाला केस लिया है। और एक मैंने लिया है ये TRRS2 TRS कनेक्टर और अडेप्टर जो भी इसे कहते हैं, तो वो मैंने लिया, एक ये ऑर्डर किया था मैंने। और गाइस एक मैं ये लेके आया था GoPro का, जो हमें चाहिए होता है माइक अटैच करने के लिए, तो ये मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि इसके बिना आपकी मोटो ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है, अगर आप GoPro से कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये ले लिया। और ये इतना महंगा है ना यार, क्या बताऊँ, मतलब GoPro के खर्चे जो है ना GoPro लेने के बाद हो गए, इतने एक्सपेंसिव है इतना, ये मतलब 4500 करीब ये मिलता है, 4000 के करीब ये इसका रेट है, कई जगह 4000 भी है, कई जगह 4500 भी इसका रेट, तो मैंने ये लिया था। बाकी जो भी चीज़ें मैंने ली हैं सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपको चेक करना हो किसी भी चीज़ का लिंक, तो वो नीचे दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। जो कि मेन चीज़ है वो है हमारा GoPro, तो GoPro 9 जैसे मैंने लिया हुआ था, आपको पता है कई लोगों जिसको नहीं पता, तो मैंने GoPro 9 लिया था, तो GoPro 9 के साथ हम सेटअप करेंगे। तो ये रही हमारी सारी चीज़ें, तो हम करते हैं सेटअप। सेटअप कैसे करना है, कई लोग वैसे जो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो वो मोटो ब्लॉगिंग अपने कैमरे से भी करते हैं, फ़ोन से, तो उससे भी कर सकते हैं, उसका सेटअप अलग होता है। तो फिलहाल हम GoPro का सेटअप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना इस जगह पे, इसे बोलते हैं माउंट स्ट्रैप, मतलब चिन माउंट स्ट्रैप है ये स्ट्रैप, साथ में मैंने पिक्चर दे दूंगा इसकी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा होगा, तो इस टाइप का ये चिन माउंट स्ट्रैप है, मैंने लगा लिया पहले से यार, क्योंकि इसे लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने पहले बांध लिया। इजी है लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दो धागे ऊपर होते हैं, दो धागे नीचे होते हैं, पीछे से जाके जोड़ देना है, कुछ सब कुछ ईजी है इसमें। ठीक है, इसको बांध देना इजीली, तो वो मैंने पहले से कर लिया है, इसको बांध के रखा हुआ है मैंने, मतलब ये चिन स्ट्रैप जो है यहाँ बांध रखा है। कई लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस टाइप का माउंट मिलता है, तो इस टाइप का माउंट भी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट करते हैं, तो उसमें फिर कैमरा फिट करते हैं, तो मैंने वो प्रेफर नहीं करा, क्योंकि एक तो उसको एमसील के साथ चिपकाते हैं कई लोग, तो क्या होता है वो काफ़ी लुक ख़राब कर देता है यहाँ पे यार, मतलब काफ़ी ख़राब सा लगता है वो ना, तो मैंने वो यूज़ नहीं करा, मैंने फिर चिन माउंट स्ट्रैप मैंने ले लिया, तो मैंने उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो ऐसा कुछ ये लग गया है। और ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है जे माउंट, ये जे माउंट अलग से है जो आपको यहाँ फिट करना पड़ेगा चिन माउंट पे, तो ये एक्शन प्रो का चिन माउंट है, इस टाइप का कुछ है ये, और ये आप ऑर्डर कर सकते हो, अगर मैंने लिंक नीचे दे दिया है वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चेक कर सकते हो उसका प्राइस वगैरह, ज़्यादा महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है वाला। और बाकी ये जे माउंट है, ये मेरे को GoPro के साथ मिला था ये वाला जे माउंट, तो इसको भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो मैंने ये GoPro के साथ मेरे को मिला था। हमने सबसे पहले स्ट्रैप लगा लेना है ऐसे, अब इसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रैप लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है ये जे माउंट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो नीचे की तरफ, इसको आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, तो मैं इसको यार ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से फिट हो जाएगा, ये आपका जे माउंट फिट हो गया। दो तीन चीज़ मैंने एक्स्ट्रा और मंगाई थी, वो है ये हमारे हैं स्ट्रेट माउंट, इसे बोलते हैं स्ट्रेट माउंट, ये वाले कैमरे को एडजस्ट करने के लिए ये सही रहता है, ये वाला थोड़ा इसको आपको एरिया ज़्यादा मिल जाता है, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, तो आप एंगल चेंज कर सकते हो इससे, इसकी हेल्प से। तो अगर खाली मैं ये लगाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा एंगल नहीं मिल पाएगा, मतलब पीछे की तरफ ज़्यादा टर्न नहीं हो पाएगा मैक्सिमम, और नीचे की तरफ टर्न ज़्यादा नहीं होगा, तो मैंने एंगल को चेंज करने के लिए तो ये जे माउंट स्ट्रेट माउंट मैंने ऑर्डर किए थे, तो मैं इसको फिक्स करूँगा, बताता हूँ कैसे करना है, फिर उसके बाद GoPro लगाऊंगा। तो इन सब के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे सारी चीज़ों के, जो भी आपको दिक्कत हो रही है अगर वहाँ पर देखने में, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले जे माउंट, ये स्ट्रेट माउंट है, दो मंगाए थे मैंने, एक बड़ा है ये वाला और एक है छोटा वाला, तो मैं छोटा वाला भी यूज़ करूँगा इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे ये माउंट लगा देना है, ये लग गया, इस तरीके से यहाँ पे लग गया है जे माउंट के ऊपर स्ट्रेट माउंट,
अगर आपको और एंगल चाहिए तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो उसको, इसको या फिर इसको पहले लगा सकते हो। तो मैंने अभी छोटा वाला लगाया, तो ये मैंने फिट कर दिया, तो इसको रखते हैं अभी साइड पे। एक और चीज़, एक मैंने ये उलानजी का केस ऑर्डर किया था GoPro 9 के लिए, तो अलग अलग GoPro के लिए अलग अलग केस आते हैं, तो GoPro 9 के ये है और GoPro 7 का GoPro 8 का अलग अलग आता है, तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है GoPro 9 के हिसाब से, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। तो इसको फिट करने के लिए क्या करना है आपको, पहले तो आपको जो कैमरा है आपका GoPro, आपको ये आपका GoPro का जो पीछे का कवर है, बैटरी का कवर, ये वाला जो आप देख रहे होंगे, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको फिट करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर फिट करना है GoPro को, तो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करना काफ़ी ईजी है, इसको ईजी रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, खाली इसको ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ, मतलब जैसे ये है ना, तो इसको ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है, मतलब इस तरफ ट्विस्ट कर देना है राइट की तरफ। तो इसको हल्का सा मैंने ये ट्विस्ट करा और ये निकल गया, तो ये टूटा नहीं है, इसको संभाल के रखना है, क्योंकि इसके बिना आपका GoPro वाटरप्रूफ रहेगा नहीं। तो अगर आपको अंडर वाटर शूट करना है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो यार इसको संभाल के रखना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। तो इसको संभाल के रखा हुआ है, बाकी ऐसा कुछ अभी दिख रहा है, ये बैटरी इधर है और SD कार्ड का स्लॉट भी यहीं पर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो मैंने केस मंगाया है इसको हम ओपन करेंगे। अब इसमें जो इसमें ये वाला काम करेगा, ये वाला जो मैंने रख दिया था ना, ये वाला, ये इसकी जगह अब काम करेगा ये बैटरी को कवर करने के लिए, ठीक है। और अभी हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसको मैं फिट कर देता हूँ, तो ये GoPro 9 ये गया फिट, ये हो गया फिट, और यहाँ से इसको बैटरी को ये बंद कर देंगे, और ये यहाँ पे बैटरी का एक स्लॉट भी है, ठीक है, यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है ये, ताकि मैं अडेप्टर इसमें लगा सकूँ और जो भी ट्रांसफ़र वगैरह करनी हो फाइल यहाँ से हो सके और बैटरी चार्ज यहाँ से हो सके, ठीक है, इजीली। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसे खोलने की हमको ज़रूरत पड़ेगी नहीं बार बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो गाइस मैंने और एक और चीज़ ऑर्डर करी थी, जो था ये अडेप्टर, इसके बिना मतलब आपकी मोटो ब्लॉगिंग GoPro में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये माइक लेना पड़ता है। अगर ये नहीं लेना चाहते तो GoPro 8 और GoPro 9 में आपका क्या मिलता है, मीडियम मोड मिलता है, तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, वो 7000 के करीब कुछ पड़ता है, तो और मुझे वो वर्थ इट भी लगा, क्योंकि उसमें साउंड क्वालिटी कुछ ऐसा कुछ चक्कर मेरे को लग रहा था कि शायद ना बैठे, और माइक का उसमें एडजस्टमेंट को ढंग से मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा वो नहीं लिया, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो बाकी मैंने क्या करा, ये ऑर्डर किया, इसमें भी काम कर रहा है, ये ईजिली काम कर रहा है GoPro 9 में। कई लोग बोल रहे थे काम नहीं करता अडेप्टर, बट ये काम करता है। आपको क्या करना पड़ेगा, GoPro 9 को पहले सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, उसको अपडेट हो जाएगा वो इजीली, वो फ़ोन के थ्रू आपका एप्लीकेशन होता है उसमें, तो वहाँ के थ्रू ये आपका अपडेट हो जाएगा GoPro 9, तब आप इसको लगा सकते हो, इस अडेप्टर को यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ईजिली क्या करना है आपने, जो देखो ये नीचे यहाँ पे एक स्लॉट दे रखा है, यहाँ पे एक क्या होगा, एक कैम, ये जो है ना अडेप्टर, तो ये नीचे फिक्स हो जाएगा यहाँ से, तो ये अडेप्टर के लिए स्पेशल स्पेस ना, ये वाला अलग से बना हुआ प्लानसी में, तो ये लगा दिया। तो और इसको अडेप्टर को अब जो यहाँ पे हमने स्लॉट दे रखा था यहाँ पे साइड बीच में दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे इसको कर देंगे फिक्स, तो इस तरीके से ये फिक्स हो गया। अब जो मैंने ऑर्डर किया था माइक मैंने ऑर्डर किया था कि माइक्रोफोन जो आता है इसमें, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया है। मतलब आपको ऐसा हेलमेट चूज़ करना है जो इसकी पैडिंग ना खुल जाए, मतलब पैडिंग रिमूवेबल हो और आप माइक इजीली फिक्स कर सकें उसके पीछे, या अगर उसको खोल के लगा सकें, उसकी वायरिंग अंदर ना एडजस्ट कर सकें। तो मैंने क्या करा, इसको खोला, इसकी जो पैड थे इसके खोले, तो साइड में मैंने वायरिंग इसके लपेट दी, और थोड़ा बचा हुआ जो वायर था कम, थोड़ा हल्का फुल्का जो था, तो वो मैंने हेड की तरफ ऊपर की तरफ कर दिया। इस वाले माइक में ये सही है कि ये उसमें छोटा वायर है और बड़ा वायर नहीं है, जो कि बेस्ट माइक है। काफ़ी मोटो ब्लॉग जो करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, उनको पता होगा बहुत अच्छा माइक है, और सस्ता भी है, एक्सपेंसिव नहीं है। जितना एक्सपेंसिव होगा तो उतना अच्छा माइक होगा, पता है, जैसे रोड के माइक आते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। तो फिलहाल के लिए ये ठीक है और अच्छा काम कर रहा है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको वायरिंग कर दी थी, इसको मैंने लपेट दिया पूरा चारों तरफ। तो यार इस लेवलियर माइक के साथ ना, माइक के साथ क्या बोलता है, ये TRS कनेक्टर भी मिलता है, जो कि हमको हेल्पफुल होता है इसे कनेक्ट करने में, यहाँ पे और यहाँ पे और माइक के साथ, माइक इसके पीछे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने क्या करा, इसको अलग से ऑर्डर किया, क्योंकि काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद में माइक कनेक्ट करता हूँ, तो कनेक्टर के लिए आप इसका यूज़ भी कर सकते हो, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, ये TRS मैंने कर दिया है, तो यार ये ना काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसमें हम कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, मतलब ऐसे ऐसे दिखेगा आपको,
तो ये टूट सकता है, मतलब तेज़ हवा चलती है, अगर स्पीड में हो आप गाड़ी चला रहे हो तो ये टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इसकी वजह से मैंने क्या करा, ये ना यूज़ करके, वैसे आप ये भी यूज़ कर सकते हो काम चलाने के लिए, अगर किसी को यूज़ करना है तो मोनो माइक के साथ ये मिलता है आपको। हाँ, मैंने जो मंगाया था वो ये मंगाया था, जो कि ये वाला अडेप्टर है, वो है रोड का। तो ये रोड का मैंने TRRS टू TRS कनेक्टर और अडेप्टर मंगाया है ये वाला, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये वाला 1000 के आसपास पड़ता है, बट इसका पर ये बहुत अच्छा है, मतलब वर्थ इट है, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा और अच्छी अच्छी कंपनी का है, क्योंकि आपको पता है रोड के माइक जो बनते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, रोड कंपनी के जो माइक हैं। तो मैंने वो लिया है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये फिक्स हो गया, यहाँ पे ये माइक कनेक्ट हो गया इसके साथ, देख सकते हो आप, और ये हमारा सेटअप रेडी है। और ये मैंने इसका माइक जो मैंने इसका जो छुपाया है वो मैंने पीछे की तरफ, इस तरफ मैंने इसका माइक यहाँ पे छुपाया है इस तरफ, और ज़्यादा मुँह के आगे भी नहीं रखा, क्योंकि अगर आप फेस के आगे रखते हो माइक को तो आपको विंड की नॉइस काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो मैंने इसको थोड़ा पीछे की तरफ रखा है, साइड की जो हमारे चिक्स होते हैं यहाँ पे साइड में, इस तरफ मैंने इसको रखा है माइक को, हवा की आवाज़ ना आए और आवाज़ क्लियर आए। तो दोस्तों ऐसा कुछ है। अभी ये उलांजी के केस का मैंने ये कवर लगा हुआ है लेंस के ऊपर, इसको निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी है। ये हमें जब चार्ज करना हो तो इसको हम निकाल के, यहाँ से जो प्लग है इसको निकाल के, इसकी जगह हम अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं, अपना जो चार्जिंग अडेप्टर होता है उसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इजीली ये चार्ज हो जाएगा। तो और हम इसको एंगल भी इसके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आपको नीचे का एंगल लेना है तो आप इसको नीचे कर दोगे, अगर इसको आपको फ्रंट का एंगल लेना है या ऊपर का एंगल लेना है तो उसको ऊपर की तरफ कर दोगे। तो इस तरीके से एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट माउंट लगाने का फ़ायदा यही है, ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें। तो गाइस अगर ये सेटअप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक तो बनता है। तो आपके आई होप आपकी हेल्प होगी इस ब्लॉग में, मैंने सेटअप सेटअप बता दिया है। अब जस्ट मौसम खुलने की देर है, फिर करते हैं मोटर ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। कोई तरह से है तो प्लीज़ बताओ यार, वहाँ पर रोड कैसी चल रही है, रोड ख़राब है कि नहीं है, है ना, तो पता तो लगे कुछ कैसा रह रहा है सिस्टम। हाँ, सूख तो रहे हैं, अब इस तरीके से कपड़े डालने पड़ रहे हैं अंदर, क्योंकि बाहर हो रही है मूसलाधार बारिश, अभी तो हल्की हो गई। खैर, तो इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ रहा है घर के अंदर। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा है, अभी अभी शुरू हुई थी तेज़ बारिश, मज़ा आ गया, भयंकर बारिश, भयंकर गजब हो रही है। हेलो दोस्तों, तो शाम के यार अभी हो गए हैं 7 बज गए हैं शाम के, और दिन में थोड़ा बारिश रही पूरी। मैंने सोचा था जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप किया था आपको शूट दूंगा आज मोटो ब्लॉग का, थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा चेक भी हो जाएगा, बट बारिश रुकी नहीं, तो ऐसी शाम भी हो गई 7 बज गए, तो अभी बारिश रुकी थी, अब तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं ढंग से। तो आज का कैंसिल करते हैं, फिर उससे अब सीधे ट्रिप में यूज़ करेंगे। बाकी अभी तो मैं एडिटिंग में कर रहा था, तो दोस्तों अभी मैं एडिटिंग ही कर रहा था, तो एडिटिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, जो मेरा व्लॉग था मतलब जिसमें मोटो ब्लॉगिंग वगैरह का बता रहा हूँ मैं आज, तो एडिटिंग हो गई है, 7 बज गए हैं शाम के। तो कल तक सुबह मॉर्निंग तक मैं इसे अपलोड कर दूंगा, मे बी या रात को कर दूँ अपलोड आज, अगर ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया तो रात को कर दूंगा, नहीं तो मॉर्निंग में करूँगा कल। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, और आज ब्लॉग क्लोज करते हैं अपना, अभी शाम हो गई है जैसा आप देख रहे हैं, अभी बारिश अभी रुकी है अभी आधा घंटा पहले। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना अगर फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन था कि आपको मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक तो बनता है, लाइक कर देना अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो, अगर नहीं लगा है तो क्या कर सकते हैं, लाइक दे देना। दोस्तों फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, दिस गैरी साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखें, आसपास सब लोगों का ख्याल रखें।